subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. One Path for 100 plus government exams, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा courses, 3500 plus mock tests, 500 से भी ज्यादा PDF study notes, आपको मिलेगा सिर्फ 149 rupees में. Hello everyone, good afternoon. So we are having our batch, SVIPO batch, which is started recently. So you can join the batch also, as well as we are having a special batch which is for RBI grade B, in which we are going to cover them everything right from the pre till the interview. So everything will be provided with exam qualified coach jo aapko har tarike se help kar sake. So let's start with our session. Good afternoon to everyone. Maine subah bhi kaha tha cyclone wala din hai, cyclone wala good afternoon. और बहुत हवाएं यहां पे चल रही है, बीजीएम में शायद आपको आवाज आ सकती है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब तक लैपटॉप चलता है तब तक हम इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, एकदम फास्ट ट्रैक तरीके से, रैपिड फायर तरीके से. आज के 50 क्वेश्चंस को हमें कवर करना है और हमें आज का सेशन डाउन नहीं जाने देना है. तो जब तक इस लैपटॉप में जान है तब तक हम लड़ेंगे, अच्छे से कैरी आउट करेंगे. आवाज आएगी, आई एम फीलिंग जस्ट लाइक स्टैंडिंग ऑन द वॉल इन द नॉर्थ विद जॉन स्नो, ऐसी आवाजें आपको आ सकती है. बट डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू पीपल टेल मी हाउ आर यू गाइस, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, एस्पेशली दोज हु आर लिविंग इन मुंबई एंड नियर बाय मुंबई. शायद वहां के लोग आएंगे भी नहीं क्योंकि इंटरनेट या फिर लाइन का, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू चल रहा है. बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन. आई होप एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही है. चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं. चलो, एवरीवन इज रेडी? यस दोस्तों, सब लोग सही है, सब रेडी है. चलो स्टार्ट करें आज के सेशन को. यस, चलो फाइन, विल स्टार्ट विद द सेशन. आज थोड़े कम लोग दिख रहे थे, धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे. तो पहला क्वेश्चन हमारा आज, हम 50 क्वेश्चंस ले रहे हैं फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स एंड द रेजिग्नेशन, इस वाले पार्ट से, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं. कल हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे और इस संडे जो बैंकिंग एग्जाम्स है, स्पेशली SBI एग्जाम्स, IBPS या RRB या RBI की ग्रेड बी एज वेल एज असिस्टेंट, इन एग्जाम्स को लेकर हमने महायुद्ध रखा हुआ है. मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे, 8 घंटे का महायुद्ध रहेगा और हर फैकल्टी वहां पे 2-2 घंटे आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेगी. मैं आपके लिए उस महायुद्ध के अंदर 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो काफी एक्सपेक्टेड है सारी एग्जाम्स में. आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की बात करेंगे, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के फेज 2 की बात करेंगे. तो इन सारे हिसाब से हम लोग महायुद्ध को रखने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. यस, पुणे इज इन ऑन द फायर राइट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बताइए इन मई 2020 हु हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन फॉर हिज सेंट्रल डेप्यूटेशन टेन्योर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन किसे मिला? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेरी फेमसली कॉल्ड एज साई, साई कहते हैं उसको, दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है. 1984 में उसका गठन किया गया था ताकि इंडिया में सारे स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर सेंट्रलाइज तरीके से लाए. क्रिकेट सही के अंदर नहीं आता, क्रिकेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता, हमारे पास उसके लिए अलग से अथॉरिटी बना के रखी है. तो जिन स्पोर्ट्स के लिए अलग से अथॉरिटी नहीं है उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रॉपरली काम करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टेस्टिंग करना, डाइट मेंटेन करना, या ये सारी चीजें स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए हम लोग यहां से मेंटेन करते हैं. यस यस दोस्तों, आंसर यस, एब्सोल्युटली राइट, संदीप प्रधान, संदीप मुकुंद प्रधान, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आप लोगों ने. संदीप मुकुंद प्रधान इज द इज राइट नाउ द हेड, उनका टेन्योर बढ़ा दिया है, पहले से वो हेड थे, टेन्योर बढ़ा दिया है उनका राइट नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, इन जैन 2020 हु टुक चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी. सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज रिसेंटली किसने लिया? सबको पता है, सेबी की इंफॉर्मेशन सबको है के सेबी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इन इंडिया, जो वॉच रखती है शेयर मार्केट के डीलिंग के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट के डीलिंग के ऊपर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर 9 लोग होते हैं, के 9 मेंबर्स की अथॉरिटी है, जिसके हेड है अजय त्यागी. अजय त्यागी इज राइट नाउ द हेड. मैंने क्वेश्चन पूछा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है,
9 मेंबर्स का बोर्ड होता है, उसमें से अजय त्यागी इज राइट नाउ द हेड, इज राइट नाउ द चेयरमैन. माय क्वेश्चन इज हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली. यस 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 यस, काफी लोगों ने सही आंसर दिया. यस आंसर इज जी बबीता रायडू. के जी बबीता रायडू इज राइट नाउ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टुक द पोजिशन इन द सेबी. ओके, सेबी इनिशियली वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बनाई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती थी. बाद में सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया, पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से स्टेटस दे दिया, एंड नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपरली. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. यस यस, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों. यस नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड आईएएस ऑफिशियल्स डॉक्टर कृतिका शुक्ला एंड द आईपीएस ऑफिशियल एम दीपिका एज अ स्पेशल ऑफिसर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग दिशा एक्ट. बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भाई दिशा एक्ट कौन से स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, दैट्स इट. बट इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, यू विल अंडरस्टैंड टू थिंग्स, कि हमें ऑफिसर्स के नाम भी पता चल रहे, के कृतिका शुक्ला जो आईएएस है जो हेड करेगी, एंड आईपीएस ऑफिसर भी है एम दीपिका. दिशा एक्ट को वुमन एम्पावरमेंट के लिए, या जो सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस हो रही है, या जो रोय रेप केसेस हो रही है, उससे बचने के लिए, उसकी उसको फास्ट फॉरवर्ड कराने के लिए दिशा एक्ट लाया गया है. तो ये सारी सारी चीजें कौन से स्टेट ने इंप्लीमेंट की है. यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया. इसका आंसर वैसे सारे दोस्तों को हमारे पता है, आंध्र प्रदेश दिस इनोवेटिव थिंग, वंडरफुल थिंग आंध्र प्रदेश ने की है. एक केस हुआ था आंध्र प्रदेश में विच वॉज रियली वेरी हॉरिफाइंग केस, डिस्टर्बिंग केस था. उस केस के बाद जल्दी से जल्दी सारी केसेस सॉल्व हो सके, इसलिए दिशा एक्ट और दिशा पोलिस स्टेशन बनाए गए थे आंध्र के अंदर. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. यस, जगनमोहन रेड्डी, यस एब्सोल्युटली राइट. Who has been appointed as the Indian representative and the governor on board of ERIA? Okay, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए ERIA का फुल फॉर्म. फुल फॉर्म बता दो, दिल खुश कर दो जल्दी से. यस यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दैट्स अ गुड थिंग. क्या बात है, बहुत लोगों के सही आंसर है, अच्छे तरीके से जा रहे हो. ओके okay. यस दोस्तों, ERIA का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए, आंसर में तो हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. यस, कुछ लोगों ने आंसर दे दी है. के यस, चलो मुझे ERIA का फुल फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म काफी अच्छा रोल प्ले करेगा. यस, यहां पे कुछ गलती हो गई है स्लाइड में एक्चुअली. यस, आंसर इज SS देसवाल, SS देसवाल इज द आंसर एक्चुअली. ओके, देयर इज अ वन मिस्टेक ओवर हियर, के रोहन शाह का नाम यहां पे आ चुका है, SS देसवाल इज अ राइट आंसर. ओके, चलो मुझे बताइए, देखिए ये गलत है, मैं जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे याद रखेगा. ओके, ERIA का फुल फॉर्म बता दीजिए. यस, ERIA का फुल फॉर्म कोई बताएगा? यस यस, एब्सोल्युटली राइट. इस फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड द ईस्ट एशिया. के ERIA की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के अंदर आएगा, इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड द ईस्ट एशिया. जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और यहां पे 78 मेंबर्स है, 78 स्टाफ मेंबर्स है, 78 मेंबर्स यहां पे काम करते हैं, एंड विच इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए. नहीं नहीं नहीं, आप जो बता रहे थे वो गलत है, आई वॉज आस्किंग समथिंग एल्स, मैं कुछ और पूछ रहा था आप लोगों को, थोड़ा सा वहां पे गलती हो गई. इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड द ईस्ट एशिया जकार्ता. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होती है गड़बड़ होती है. चलो आगे देखते हैं. इन जैन 2020 उमारो सिसोको इम्बोलो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. नाम पढ़ के ही लगता है कोई ये अफ्रीकन बंदा है, नाम पढ़ के ही लगता है कि अफ्रीकन कंट्री का होगा. कंट्री का नाम बता दीजिए जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं.
रितेश गेव द आंसर, रितेश कुमार जी का आंसर आया है, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया है। कुंदन जी हेलो कैसे हो, आपका भी आंसर आ चुका है। यस, काफी लोगों ने आंसर दिया, काफी लोगों ने सिनेगल आंसर दिया, पर यहां पे आपका आंसर है गिनिया बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ, बिसाऊ कैपिटल है गिनिया का। ओके, इट्स अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, वन ऑफ द पुअर कंट्री। के वेस्ट अफ्रीका में जितनी कंट्रीज है मोस्टली दे आर हैविंग सम इश्यूज, दे आर काइंड ऑफ अ वेरी पुअर कंट्री। तो उसी छोटे से कंट्री के ये नए प्रेसिडेंट बने हुए, तो याद रखेगा बिसाऊ इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन अभी अभी बनाया गया है अक्टूबर 2019 में, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी मींस पार्लियामेंट्री लॉ से हमने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया है। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर काफी फ्रॉड हुए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए प्रॉपर लॉ नहीं था इंडिया में, इसलिए वहां पे बहुत गड़बड़े होती थी, बहुत ह्यूज ह्यूज फ्रॉड हुए थे इंडिया में, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया। उसके पहले चेयरमैन का नाम बताइए। यस, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। यस दोस्तों, जो लोग हमें अभी जुड़े हुए हैं, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक इस लैपटॉप में जान है, बिकॉज हम साइक्लोन वाले एरिया से आपको पढ़ा रहे हैं, साइक्लोन वाले एरिया में लाइट नहीं है बिल्कुल, स्टिल वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू पीपल। अगर कुछ बैटरी डाउन होती है तो आई विल लेट यू नो, और तब हम हमारा सेशन खत्म करेंगे। पर तब तक अगर सब कुछ सही रहा, ऊपर वाले की मेहर रही, तो 50 के 50 क्वेश्चंस पूरे करके जाएंगे। ठीक है, चलो बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट, राइट, सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड आंसर। ओके, याद रखना एनएमसी इज रिप्लेसिंग एमसीआई, एमसीआई को रिप्लेस कर दिया, और एनएमसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ से बनाई गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन अपने आप में एक लॉ है, जिसको अक्टूबर 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास करवाया था। ओके, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following has been appointed as India's first chief of defense staff? India's first chief of defense staff करके recently किसका appointment हुआ? ये cakewalk वाला question है। This question everyone is going to mark the right question। कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करेगा। मैं guarantee देता हूँ, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करेगा। ये cakewalk वाला question है सबके लिए। Yes, जिसने गलती कर दी, seriously बोल रहा हूँ, complain कर देना मैं। Okay. कविता जी, बैटरी कितनी? अभी फिलहाल हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो हमें फिलहाल बैटरी नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एब्रप्ट तरीके से मैं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, बिपिन रावत। ओके, कारगिल वॉर के बाद वी हैव डिसाइडेड दैट वी शुड हैव अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इंडिया में जितने डिफेंस के विंग्स हैं, उन सबके लिए एक एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, जो सबके साथ मिलकर प्रॉपरली काम करें, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है। आर्मी वाले अलग तरीके से काम करेंगे, नेवी में अलग प्रॉब्लम आ गई, एयरफोर्स में अलग प्रॉब्लम आएगी, तो ये सब लोग डिफेंस मिनिस्टर से बात करने से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। कारगिल वॉर थोड़ा लेट जीतने के पीछे यही रीजन था, इसलिए कारगिल वॉर के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि जिसको आज जाके या अभी जाके इंप्लीमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं। इन जैन 2020 जोरान ज़ेव सबमिटेड द रेजिग्नेशन, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? यस, फिलहाल उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर स्टीवो पेडारावास्की है, पेडारावास्की, स्टीवो पेडारावास्की राइट नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। ओके, जिस कंट्री के पहले जोरान ज़ेवो ज़ेव वाज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। यस, कंट्री का नाम बता दीजिए, कोई बताएगा? यस, एनीवन? यहां पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, कंट्री का नाम हमने ज्यादा सुना नहीं है, मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, या इसको कहते हैं नॉर्थ रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया। ग्रीस है, ग्रीस के थोड़ा सा ऊपर, ग्रीस के थोड़ा सा ऊपर अल्बेनिया, उसके राइट हैंड में अल्बेनिया है, नीचे ग्रीस है, बीच में एक फंसा हुआ कंट्री है, और जिसको नॉर्थ रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया कहते हैं। के स्कोपके, स्कोपके इज द कैपिटल, अगर मैं स्पेलिंग लिखूंगा उसका तो उस कैपिटल का स्पेलिंग लगभग ऐसा कुछ आएगा। ओके, पर इसको जे नहीं कहते, स्पॉक के, सो स्कॉप पे, सो स्कॉप पे इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, और जहां के जोरान ज़ेव वॉज द प्राइम मिनिस्टर, रेजिग्नेशन दे दिया, और अभी उनके प्राइम मिनिस्टर है स्टीवो पेंडारोवस्की, स्टीवो पेंडारोवस्की। यस, प्रोनाउंसिएशन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट नाउ इट इज प्रॉपरली प्रोनाउंस। ओके, याद रखेगा, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट।
यस यस यस, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाटो के मेंबर है नीलेश जी, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। ओके यस, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बता दीजिए और उसके बाद उनके एडवाइजर का नाम तो आपको बताना ही है, उसके बिना तो क्वेश्चन सही नहीं आएगा आपका, तो जल्दी से बता दीजिए। यस गाइज, यस दोस्तों, बहुत बढ़िया। यस विक्की जी, गुड गुड वेरी गुड। काफी क्या, कविता जी सही आंसर है। शरद कुमार, कुंदन सिंह, कृति सेठी, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूके यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनका नाम तो बता दीजिए, उनके एडवाइजर करके किनको बनाया गया इनका भी नाम बता दीजिए। ओके दैट्स अ गुड अपडेट राजीव कार। यस, अगर आपकी बात सही है तो क्या बात है, बहुत बढ़िया अपडेट दिया आपने। मदर टेरेसा उस कंट्री से बिलोंग करती है। ओके पैसिडोनिया हम पहले कहते थे उसको। ओके उसकी हिस्ट्री अपने आप में थोड़ी अलग है। यस राजू राय भटनागर, राजू राय भटनागर एडवाइजर बने हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये भी था कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम बता दीजिए। यस 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 यस, जी सी मुर्मू, जी सी मुर्मू इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पे असेंबली रहेगी या जहां पे असेंबली है। फिलहाल हमारे पास दिल्ली और पुदुचेरी है जहां पे असेंबली होती है, सीएम होते हैं, पर इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेम सिनारियो रहेगा। पर लद्दाख ये लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, जैन 2020 की बात करते हैं, इन विच रविंद्रनाथ महतो वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू असेंबली स्पीकर। तो उस स्टेट असेंबली के नए स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो, ये कौन सी स्टेट असेंबली की बात की जा रही है यहां पे, जल्दी से बताइएगा। यस बहुत बढ़िया, गुड वेरी गुड गाइस वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। के जो लोग आंसर नहीं करते हैं, जो लोग कमेंट नहीं करते, इसका मतलब नहीं कि आपका नहीं आता है, आपको भी बहुत अच्छे से आता है। कुछ होता है हम थोड़ा सा बात करने के लिए डरते हैं, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज ऑल्सो देयर, तो आई नो योर फीलिंग्स। ओके बट बने रहना है, ट्राई करना है आंसर करने का, गलत हुआ तो हुआ, नो वन इज गोइंग टू जज यू, बट कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज देयर। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। यस झारखंड, झारखंड की बात करते हैं, ऑब्वियसली रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे तो उसी जगह पे असेंबली स्पीकर्स की बात की जाएगी। रविंद्रनाथ महतो, नाम से भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डेनियल डी रोसी Is associated with which of the following sports? कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं डैनियल डी रोसी, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जैन ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। के एंड वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेयर फ्रॉम द फुटबॉल फ्रॉम दैट कंट्री, सॉरी मैंने आंसर ही दे दिया, यस आंसर इज फुटबॉल, फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। इटली के प्लेयर है, इटली के लिए खेलते थे। ओके इटली में सीरिया ए नाम का उनका क्लब होता है, क्लब के अंदर वो खेलते थे, तो उस क्लब में एक क्लब है बड़ा फेमस है, रोमा नाम का क्लब है। यस क्लब का नाम है रोमा, सो रोमा क्लब के लिए वो खेलते थे इटली से। सीरिया ए उनकी कंपटीशन होती है, उस कंपटीशन के अंदर वो काफी वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेयर। सो डेनियल डे रोसी रिसेंटली अनाउंस दिस अनाउंसमेंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यस पेशेंस की बात इसलिए है क्योंकि बेटा हमारा लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम एज सुन एज पॉसिबल चीजों को कवर करना चाहते हैं। ठीक है चलो, यस यस चलो आगे बढ़े। ठीक है, गुड इवनिंग जीके शर्मा जी। पेड्रो सांचेज हैज बीन अप्रूव्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो केक वॉक वाला क्वेश्चन हो गया, जिसकी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई हुई होगी बिल्कुल गलती नहीं करेगा। ओके चलो आगे बढ़े, पेड्रो सांचेस बता दीजिए कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, किस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने इनिशियली गलती की थी बट वो बाद में आ गए। ठीक है चलो, यस एब्सोल्युटली राइट आंसर इज स्पेन, स्पेन से बिलोंग करते लाइक स्पेनिश जर्मन बहुत जल्दी याद रहते हैं, तो पेड्रो सांचेस जो अभी प्राइम मिनिस्टर करके अप्रूव हुए हैं। स्पेन के अंदर भी थोड़ा इशू चल रहा है, स्पेन के अंदर भी स्पेन के दो पार्ट करने की बातें हो रही है, ये इशू काफी सालों से चल रहा है, तो इसी इशू को लेके वहां पे बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं। कि यहां पे गलती हो गई 2018 से है एक्चुअली। ओके सिंपल क्वेश्चन ये, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कौन है फिलहाल 18 से, एज ऑफ फेब 18 तो 2018 से वो बने हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के हमारे हेड का नाम बता दीजिए।
यस गुड आफ्टरनून विग्नेश, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलो ज्वाइन कर लीजिए। यस दोस्तों, यस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मूवी मूवीज कोई भी मूवीज इंडिया में इनके साइन के बिना रिलीज नहीं हो सकती। यस नो वन इज गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक। वैसे मूवीज में आप लोग वैसे भी मिस्टेक नहीं करते, बहुत प्रॉम्प्ट हो आप मूवीज के मामले में। प्रसून जोशी जी, यस राइट नाउ ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड गाइज। आगे जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? यस यस गाइस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या रिजर्व पुलिस बल, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जल्दी से उनका नाम बता दीजिए। आज भी हमें हम ट्राई करेंगे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करने की, और 50 क्वेश्चंस के बाद हमें देखना है कितने लोगों ने 40 प्लस मार्क सही किए हैं। ओके चलो, क्या बात है, यहां पे भी किसी ने गलती नहीं की। वेरी गुड वेरी गुड। ओके एपी माहेश्वरी, एपी माहेश्वरी, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके यस एपी माहेश्वरी इज द आंसर, राइट आंसर। यस लास्ट क्वेश्चन का किसी ने कमेंट डाला था, लास्ट वालों का पहलाज नेहलानी का नाम डाला था, उन्होंने बड़ा इश्यू किया था पहलाज नेहलानी जब हमारे मूवी सर्टिफिकेशन बोर्ड के हेड थे, तो बहुत सारे इश्यूज वो टाइम पे हुए थे। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा गड़े मुर्दे उखाड़ने को या टच करने को भी कभी कभी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। के विरल आचार्य जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट माइंड, वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट डेप्यूटी गवर्नर। ऐसा सबको लगता था कि विरल आचार्य बाद में गवर्नर बन जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी थोड़ा सा इश्यू गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उनके बाद कौन गवर्नर बने? यस उनके बाद कौन गवर्नर बने? आपको थोड़ी बीच बीच में आवाज ऐसी आएगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन वाला सीन है, तो डरिएगा मत, डोंट वरी, मैं आवाज नहीं निकाल रहा हूं। यस एमडी पात्रा की बात करेंगे, माइकल देवव्रत पात्रा के एमडी पात्रा की बात करेंगे। एमडी पात्रा बिकम द न्यू डेप्यूटी गवर्नर रिप्लेसिंग विरल आचार्य। विरल आचार्य साहब वन ऑफ द वेरी फेमस, उनके टाइम पे कमिटीज भी काफी थी, काफी अच्छा काम भी किया था उन्होंने। जब हम लोग डिटेल में बैंकिंग में जाएंगे वो टाइम पे विरल आचार्य साहब की हम 100% बात करेंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग माय पर्सनल फेवरेट डेप्यूटी गवर्नर वाज विरल आचार्य, ही डिड अ रियली वेरी गुड जॉब। ओके एनीवेज वी विल डिस्कस अबाउट हिम लेटर ऑन। अभी आते हैं आगे, इसका आंसर तो आपको अच्छे से पता होगा। यस चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा विक्की जी, बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा हुआ है जो सारे डिप्टी गवर्नर्स के नाम आपसे बुलवाएगा। ओके तो विल गो टू दैट पार्ट वेरी सून, डोंट वरी अबाउट दैट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। क्वींस काउंसिल का मतलब होता है जो क्वीन है इंग्लैंड की, उनको एडवाइस करने के लिए वकीलों का एक गुट होता है, उसको क्वींस काउंसिल कहते हैं। के लॉयर्स रहेंगे, बहुत बड़े बड़े फेमस लॉयर्स रहेंगे, उनका एक एक प्रॉपर ग्रुप रहेगा जो क्वीन को, बेसिकली यूके के गवर्नमेंट को एडवाइस करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां पे एक इंडियन का अपॉइंटमेंट हुआ है, एंड व्हाट्स हिज नेम? एब्सोल्युटली राइट, हरीश साळवे, हरीश साळवे नाम है उनका, हरीश साळवे हम जिनको कहते हैं, वन ऑफ द वेरी फेमस लॉयर। के वन ऑफ द वेरी फेमस लॉयर ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ओके हिज फादर वॉज एनकेपी साळवे। एनकेपी साळवे आपको पता होगा, एनकेपी साळवे के नाम पे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। एनकेपी साळवे वॉज अ टैक्स लॉयर, वो टैक्स लॉयर थे, और उनके वही उन्हीं के बेटे हैं हरीश साळवे, एंड ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस लॉयर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फेमस लॉयर है, क्रिमिनल केसेस काफी लड़ते हैं। और हरीश साळवे जी की खासियत यह है कि एक बार उनके पास केस आए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूवमेंट में वो केस हारते हैं। के वन ऑफ द वेरी फेमस केस अगर आपको बतानी है हरीश साळवे जी की, जो इंडिया में उन्होंने लड़ी थी और उसके बाद सब कुछ सही हो गया था, वो थी भाईजान की केस, सलमान भाईजान की केस थी, लास्ट में वो केस इनके पास गई थी। कुलभूषण जाधव की बात करें तो कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान के जेल में है, उनके फांसी की सजा भी इन्हीं के वजह से रोकी गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। सो वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट माइंड ऑफ इंडिया। के आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन जैन 2020 मिखिल मुशुस्टिन was announced as a prime minister of which of the following country? के मिखेल मुशुस्टिन कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए? इनके पहले दिमित्री was the prime minister of that country, दिमित्री मेडवेडेव,
डिमित्री मेडवेडेव वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, उनको रिप्लेस करते हुए मिखेल मुशुस्टिन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री. यस यस, हेलो तनुजा जी. यस दोस्तों, बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट. क्वेश्चन नंबर 17. यस, आंसर इज रशिया. एब्सोल्युटली राइट, रशिया. व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन वॉज इज द प्रेसिडेंट और उनके वो प्राइम मिनिस्टर है. ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. इन जैन 2020 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. ओके, नाउ बैंकिंग और बैंक्स के हेड का नाम पूछने की बहुत आदत है हमारे एग्जाम्स में. बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैंक्स के एमडी सीईओ का नाम बता दीजिए. तो चलो बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ का नाम बता दीजिए जल्दी से. यस गाइज, फास्ट. यस, कैपिटल इज मॉस्को, बट ऑब्वियस है रशिया का कैपिटल वैसे कोई भूलेगा नहीं. वन ऑफ द वेरी प्राइम कंट्री फॉर इंडिया. वी हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद रशिया वंस अपॉन अ टाइम. के एक बहुत फेमस स्टोरी है रशिया की, कि रशिया इंडिया को हमेशा एक गलत तरीके से ट्रीट करता था. सो देर वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ इंदिरा गांधी. शी वेंट टू रशिया एंड नॉर्मल ऐसा कि कंट्री के हेड आते हैं तो दूसरे कंट्री के हेड उनको रिसीव करने आते हैं, पर वो टाइम पे दूसरे कंट्री के हेड रिसीव करने आए नहीं थे. तो इंदिरा जी गई नहीं मिलने के लिए जब तक वो उनको रिसीव करने नहीं आते. एंड उसके बाद रशिया बिकम सच हम्बल टू इंडिया, तो कभी कभी उनकी जगह दिखाने की जरूरत होती है. एंड इंदिरा गांधी हैड दैट हैबिट ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग. ओके चलो, यस इसका आंसर, यस आंसर इज अतानु कुमार दास. अतानु कुमार दास, एब्सोल्युटली राइट. ओके, राइट नाउ ही इज हैंडलिंग द पोस्ट. ओके, ही इज हैंडलिंग द पोस्ट एज अ एमडी सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया. ओके, अतानु कुमार दास. काफी लोगों ने सही आंसर किया था. ओके, वेरी गुड गाइज, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके चलो, के अमित कुमार जी क्या हो गया था, कुछ दिक्कत थी. ओके आगे बढ़ते हैं. चलो इसका आंसर बता दीजिए. Who has been appointed as a member of Monetary Policy Committee? Recently, Monetary Policy के नए member का नाम बता दीजिए. Monetary Policy के नए member का नाम बता दीजिए. और साथ में अगर possible है तो बाकी members का भी नाम बता दीजिए. Monetary Policy के okay, 6 member होते हैं, 3 RBI की तरफ से आते हैं और 3 को Government of India nominate करती है. Okay, recently कौन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बने? आरबीआई की तरफ से बने हैं, गवर्नमेंट के 3 तो फिक्स है, वो तब से वही चल रहे हैं और रिसेंटली आरबीआई की तरफ से बने हैं. यस, कोई बताएगा? यस, आंसर इज जनक राज. जनक राज के राइट नाउ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. के इनके अलावा और कौन कौन मेंबर्स है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए. यस दोस्तों, हमारी आरबीआई ग्रेड बी की नई बैचेस स्टार्ट हुई है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा हमारी एसबीआई पीयू को भी नई बैचेस ज्वाइन हुई है स्टार्ट हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी. उसके डेमो लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी. ठीक है, चलो, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के नाम आपको पूछे थे. यस, एक तो पात्रा जी है. ओके, दास साहब है, गवर्नर जी है. ओके, जनक राज जी की हमने बात की थी. इसके अलावा चेतन घाटे जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुए, पम्मी दुआ ये भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुई है, एंड ढोलकिया. ओके, रविंद्र ढोलकिया ये भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुए हैं. सो यस, 3 लोग जो आरबीआई की तरफ से आते हैं उसमें पात्रा है जो डेप्यूटी गवर्नर है, जनक राज वो भी डेप्यूटी गवर्नर है, और शक्तिकांता दास एक गवर्नर है. इसके अलावा जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसमें चेतन घाटे, उसके बाद पम्मी दुआ और रविंद्र ढोलकिया. याद रखिएगा ये 6 members है, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चलो, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही जवाब दिए हैं. कीप इट अप गाइस, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो ने बना के रखा हुआ है, बेंगलुरु के अंदर उसका हेडक्वार्टर है. के न्यू स्पेस इंडिया की जिम्मेदारी यह है कि इसरो के लिए सारे कमर्शियल काम मींस जहां से पैसा आ सकता है वो सारे काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा. के सो अभी इसरो बहुत कमर्शियल एंगल में जा रही है, जिस तरीके से नासा ने प्राइवेट के थ्रू स्पेस शटल लॉन्च किया रिसेंटली, आपने देखा होगा. ओके, उसी तरीके से इंडिया का भी एक चांस है, इंडिया भी करना चाहती है और वो सारा काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी जिसका ऑफिस बेंगलुरु के अंदर है. हु इज द हेड? यस यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जे नारायणन. यस, एब्सोल्युटली राइट गाइस, बहुत बढ़िया.
टू द मार्क आप लोग सही जा रहे हो, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर रहा है। बड़ी खुशी हो रही है, आज सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट करके कौन इलेक्ट हुए हैं? ये वो बंदा है जो इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के भी हेड है। इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के भी हेड यही है, इंटरनेशनल हॉकी लिटरली, और अभी वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी हेड बने हुए हैं। उनका नाम बता दीजिए। यस यस यस, गुड गुड, वेरी गुड। आपके अपडेट्स जो आते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, प्लीज एक बार हमारे दोस्तों के कमेंट्स के थ्रू भी गो किया जाया कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आपके लिए होते हैं, जिससे नॉलेज और एक लेवल अप बढ़ता है। ओके, सो उस मेहनत को मत मिस करवाइएगा जो हमारे लाइव स्टूडेंट्स काफी अच्छे तरीके से करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको पूछा था, ये वो बंदा है जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी हेड है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी वही हेड है, एसोसिएशन के भी वही हेड है। यस, एब्सोल्युटली राइट, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ओके, ही इज हैंडलिंग बोथ द पोजिशन वंडरफुली, सो ये पॉइंट याद रखना, वहां के भी वही प्रेसिडेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as an executive chairman of Yes Bank in March 2020? Executive chairman बोला गया है कि MD CEO नहीं बोला गया है, executive chairman बोला गया है। तो who is the executive chairman of the Yes Bank recently appointed month of March? Yes, live का अपना अलग मजा है, no doubt about that, live का अपना अलग मजा है, पर हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, कुछ लोग बैंकों में काम कर रहे हैं या कुछ लोग अपने और वर्क चल रहे, तो वो लोग रिकॉर्डिंग में जाते हैं, उसमें भी एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, चलो बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट, सुनील मेहता। सुनील मेहता ऑल्सो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी चेयरमैन है, वो उस पोस्ट को भी हैंडल करते हैं और अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करके अपॉइंट किया गया यस बैंक में। सुनील मेहता साहब की अगर बात करूं तो सुनील मेहता साहब पंजाब नेशनल बैंक को हेड करते थे जब पंजाब नेशनल बैंक बहुत बुरी हालत में थी। के उषा अनंत सुब्रमण्यम थी उनके टाइम पे, पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हुआ था, नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ था, उसके बाद सुनील मेहता वहां पे गए थे और सुनील मेहता साहब ने पंजाब नेशनल बैंक को उस दलदल से इतना खूबसूरती से बाहर निकाला कि पंजाब नेशनल बैंक प्रॉफिटेबल बैंक के लेवल पे आ गई थी। के और इतना बेहतरीन काम उन्होंने किया था और आज उसी जज्बे की जरूरत यस बैंक को है, तो उनको वहां पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करके अपॉइंट करके रखा हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द एमडी, हु इज द एमडी सीईओ ऑफ यस बैंक? यस बैंक के एमडी सीईओ का नाम बता दीजिए। यस, किसी ने बता दिया है, प्रशांत कुमार। एब्सोल्युटली राइट, प्रशांत कुमार इज द एमडी सीईओ एंड सुनील मेहता इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, यस बैंक ने रिसेंटली 24% शेयर्स खरीदे हुए डिश टीवी के अंदर। एब्सोल्युटली राइट, निशा यादव, आप देख सकते हो यस बैंक एक टाइम पे ऐसा था कि ताला लग सकता है, आज वही यस बैंक दूसरे कंपनी के शेयर्स भी खरीद रही है। तो यस डटे रहो, बने रहो, सक्सेस मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एग्जांपल्स हमेशा अपने पास रखिए, बने रहिए, पेशेंस रखिए, बने रहिए, हमारे अपने एफर्ट्स को रखे रहिए और 100% कभी ना कभी सक्सेस मिलता ही है। छोड़ नहीं देना है, प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन का नाम बता दीजिए। चलो, यस, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन का नाम बता दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही जवाब दे दिया। विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार यादव उनका नाम है एंड ही इज राइट नाउ हेडिंग अवर इंडियन रेलवे बोर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has been appointed as the managing director of State Bank of India? State Bank of India के नए MD जी का नाम बता दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे कोई गलती नहीं करेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती नहीं की, यहां भी गलती होने की गुंजाइश काफी कम है, चांसेस काफी कम है। चलो, लेट गिव मी द आंसर। यस तनुजा जी, एब्सोल्युटली राइट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना है, पेशेंस नहीं छोड़ना है, के अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, एवरीथिंग विल बी वेरी 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 गुड। यस, एब्सोल्युट राइट, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, के चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी इज राइट नाउ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वो एमडी के पोस्ट पे वहां पे काम कर रहे हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है, चलेगा।
लुक, आई एम अ लिटिल बिट डिस्कसिंग बिट लो टुडे, और थोड़ा सा कम मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन ये है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बाकी चीजों का डिस्कशन में मैं ज्यादा नहीं जा पा रहा हूँ आज, बिकॉज हमें जल्द से जल्द इसको कवर करना है. कभी भी लैपटॉप बंद हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू है. ओके, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज वी आर कवरिंग एज सून एज पॉसिबल. 50 क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रिसेंटली जोरान मिलानोविच ने जीता हुआ है, किस कंट्री के ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे? जोरान मिलानोविच रिसेंटली वन द इलेक्शंस फॉर विच कंट्री? यस यस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. चलो गुड गुड, बहुत बढ़िया. आप लोगों ने बाकी चीजों के जो अपडेट्स दिए, दैट्स वो काबिले तारीफ है. क्रोएशिया की बात करेंगे. यस, क्रोएशिया, क्रोएशिया के अंदर इलेक्शंस हुए थे, एंड क्रोएशिया के वो नए हेड बने हुए जोरान मिलानोविच. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. बाकी कंट्रीज के हेड डिस्कस करने थे, बट टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाता हूं. चलो, एमडी रीअपॉइंटमेंट ऑफ द एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज ऑटो. बजाज ऑटो के नए एमडी नहीं कहेंगे, रीअपॉइंटमेंट हुआ है बजाज ऑटो के एमडी एंड सीईओ का. के पवन मुंजाल की बात करेंगे तो हीरो ग्रुप के साथ वो जुड़े हुए हैं. ओके, सिद्धार्थ लाल की अगर बात करेंगे तो सिद्धार्थ लाल इज फेमस फॉर रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड को काफी बड़े लेवल पे लेके गए. गोपाल विट्ठल की बात करेंगे तो एयरटेल से वो बिलोंग करते हैं. के दो बजाज आपके सामने है, टू बजाज आर इन फ्रंट ऑफ यू. उसमें से कौन से बजाज है जो एमडी सीईओ है बजाज ऑटो के? यस, आंसर इज राजीव बजाज. राजीव बजाज है जो एमडी सीईओ है बजाज ऑटो के. ओके, उन्हीं के भाई है संजीव बजाज, वो बजाज इंडस्ट्रीज का दूसरा बिजनेस हैंडल करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इन मार्च 2020 विच कंट्री हैज अपॉइंटेड अदनान अल जरफी एज द न्यू पीएम डेजिग्नेटेड इन द लेटेस्ट बिल टू रिजॉल्व द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल क्राइसिस. ओके, जल्दी से बताइएगा कि रिसेंटली अदनाम अल जरफी ये कौन से कंट्री के पीएम करके डेजिग्नेट किए गए? इलेक्शन नहीं हुए हैं, उनको डेजिग्नेशन दिया गया, उनको वहां पे अपॉइंट किया गया है, क्योंकि उस कंट्री में काफी पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो सारे पार्टियों ने मिलके उनको वहां पे अपॉइंट कर दिया, अदनान अल जरफी. सो कौन सी कंट्री की यहां पे बात हो रही है? ओके, हेलो पूनम जी, यस यस, यहां पे इराक की बात हो रही है. इराक के अंदर ये सीन हुआ था कि इराक में काफी पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं. ओके, काफी सालों से हो रहे हैं, तो फाइनली उन अदनान अल जरफी का अपॉइंटमेंट वहां पे किया गया है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इन मार्च 2020 द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज क्लियर्ड हुज अपॉइंटमेंट एज द सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर हमने काफी बार डिस्कशन किया है. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक एनबीएफसी के तरह काम करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तरह काम करता है, जो इंडिया के सारे पावर सेक्टर के कंपनियों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है. तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी का रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया और कैबिनेट ने अपॉइंटमेंट किया, उनका नाम बता दीजिए. रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत के अंदर 90,000 करोड़ का फंडिंग ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी मिला हुआ है, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ प्रेजेंट डेट. प्रेजेंट डेट में वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो पैसे देने से पहले ये सीएमडी अपॉइंट किए गए थे, कोई बताएगा? यस यस, ढिल्लन, रविंद्र सिंह ढिल्लन. और रविंद्र सिंह ढिल्लो इज द राइट नाउ द हेड ऑफ और सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इन मार्च 2020 हु वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. के बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एवरी वन इज गोइंग टू मार्क दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट, कि राज्यसभा में रिसेंटली किसको नॉमिनेट किया गया. 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाता है अलग अलग फील्ड में से, कि उनको इलेक्शंस लड़ने की जरूरत नहीं होती है. उसमें से रिसेंटली किसको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के उस पद के लिए? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए. आंसर एब्सोल्युटली सही है, अमित कुमार का ऑलरेडी आंसर आ चुका है, रंजन गोगोई. रंजन गोगोई जी की हम लोग बात करेंगे. रंजन गोगोई वॉज अपॉइंटेड के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और ये बहुत ज्यादा ही शॉकिंग था सबके लिए कि चीफ जस्टिस रह चुके थे के सडनली वहां से निकले, एंड ही बिकम द न्यू नॉमिनी और द न्यू मेंबर ऑफ द राज्यसभा. थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टफ यहां पे था, पर हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है. याद रखिएगा, 12 लोग हैं जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, और 2 लोग होते हैं जिनको
लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है और लोकसभा वाले होते एंग्लो इंडियंस और यहां पे अलग अलग फील्ड के 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। Who has been appointed as the new chief electoral officer of the union territory of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर का यह दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो एडवाइजर वाला था, ये दूसरा क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर के न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, बिकॉज अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, वहां पे असेंबली बनने वाली है तो असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, वहां के लोकल इलेक्शंस भी करवाने पड़ेंगे और इसलिए नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम बता दीजिए। यस यस, बहुत बढ़िया, 47 इज ऐसे बोबड़े, एब्सोल्युटली राइट, 46 चीफ जस्टिस थे ये। यस, रिदेश कुमार, रिदेश कुमार की बात करेंगे तो रिदेश कुमार इज नाउ अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनसीएलटी का, के हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी यह होती है कि कंपनीज में जो भी गड़बड़ होती है, कंपनीज के जो केसेस होती है, वो केसेस को सॉल्व करवाने के लिए नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल होता है, जिसके अंदर रिटायर्ड जस्टिस भी रहेंगे और जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आएंगे। सो फॉर एग्जांपल, रिसेंटली टाटा इंडस्ट्रीज के अंदर गड़बड़ हुई थी, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर साइरस मिस्त्री को निकाला गया था, तो वो केस एनसीएलटी के पास गई थी। तो किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी कंपनी में कोई भी गड़बड़ होती है तो एनसीएलटी उन केसेस को, एनसीएलएटी उन केसेस को हैंडल करता है। लुक, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी दोनों की मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। एनसीएलटी के पास पहले केस जाएगी, अगर एनसीएलटी की अगर आपको बात पसंद नहीं आई तो आप उसके बाद एनसीएलएटी के पास जाओगे, एटी मीन्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, आप उनके पास अपील करोगे। पर ये दोनों का काम होता है कंपनीज के केसेस को हैंडल करना और आप लोगों ने सही जवाब दिया हुआ है, जस्टिस बंसी लाल भट्ट के, ये उसके चेयरमैन है जो हैंडल कर रहे कामों को। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बिल गेट्स इज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उनके बोर्ड से वो निकल रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे वो। ओके, हु इज द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बाय द वे, ओके, माइक्रोसॉफ्ट के हेड का नाम बता दीजिए। पर बिल गेट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, अब वहां से भी वो रिटायर्ड हो रहे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट बना कब था या माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड कब किया था बिल गेट्स साहब ने, जल्दी से बताइए। यस, कंपनीज एक्ट, नीलेश बहुत बढ़िया। यस, विक्की का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, अमित कुमार ने आंसर दे दिया है 1975, बहुत बढ़िया, 1975 के टाइम पे इसको कोफाउंड किया गया था। मेरा एक और क्वेश्चन आप लोगों को ये था कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड का नाम बता दीजिए जो आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे। बिल गेट्स हेड नहीं है, बिल गेट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, कि नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो, के या फाउंडिंग मेंबर है। हु इज द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये तो सबको पता होना चाहिए। नहीं, अमित जी, ओके, अमित आपने गूगल का नाम बता दिया। यस, सत्य नदेला इज राइट नाउ द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यस, एब्सोल्युटली राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था। शेख खलीफा बिन जैद अल नयान हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री, कौन से कंट्री के हेड है शेख खलीफ बिन जैद अल नहान, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है? यस, आंसर इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है शेख खलीफ बिन जायद। सात राजाओं ने मिलके यूएई को क्रिएट किया हुआ है और उन सातों के सातों कॉन्टिनेंट, सातों के सातों राजाओं की जो जगह है उनको मिला के कंट्री बनाई गई है जिसको हम लोग यूएई कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम बता दीजिए। यस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है, डीजीसीए के अंदर, के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उनके अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है और इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, लगभग सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, अगर प्राइवेट नहीं है तो ठीक है, पर बाकी सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेशन करने का काम इनका होता है। तो हु इज द नाउ न्यू हेड ऑफ दिस अथॉरिटी? यस, बहुत बढ़िया,
अरविंद सिंह. अरविंद सिंह इज राइट नाउ द हेड और द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके. 2015 के टाइम पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लाइसेंस मिला था. नाउ इट इज वर्किंग. ओरिजिनली वो आईडीएफसी थी, फिर फर्स्ट लोन या फर्स्ट नाम के एक एनबीएफसी थी, उनके साथ उन्होंने टाइप किया और आईडीएफसी फर्स्ट नाम की बैंक बनाई. उनके पहले ब्रांड एम्बेसडर का नाम बता दीजिए. यस, आईडीएफसी फर्स्ट के पहले ब्रांड एम्बेसडर का नाम बता दीजिए जल्दी से. बहुत बढ़िया. लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने, आज सबके आंसर बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके, एक और चीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडीसीओ का भी नाम बता दीजिए. लगे हाथ एमडीसीओ का भी नाम बता दीजिए, देखते कितने लोगों को पता है. के बिमल जालान नाम की कमेटी थी. बिमल जालान कमेटी ने बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को कमर्शियल बैंक के लाइसेंस दिए थे. 2015 में लाइसेंस उनको वितरित किए गए थे. उसके बाद बंधन और आईडीएफसी दोनों ने काम करना शुरू किया. आईडीएफसी ने फर्स्ट नाम की एनबीएफसी के साथ टाइप किए एंड नाउ इट बिकम द आईडीएफसी फर्स्ट. और अमिताभ बच्चन जी, बच्चन साहब अभी उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए. इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले दो ही लोग हैं आजकल, एक तो अक्षय कुमार और दूसरे बच्चन साहब. मैक्सिमम वही रहते हैं. ओके, फिर कोई नहीं मिला तो मोदी साहब तो बन ही जाते. ठीक है, मुझे बताइए हु इज द एमडी सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट. यस, जल्दी से बताइए हु इज द एमडी सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट. यस, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं. हु इज द करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये वही रेवेन्यू सेक्रेटरी है जिन्होंने रिसेंटली ब्रिक्स वाला टैक्सेशन का मीटिंग अटेंड किया था. बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो इंडिया के तरफ से बींग रेवेन्यू सेक्रेटरी, बिकॉज रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम ही वही होता है टैक्सेस कलेक्ट करना, तो उन्होंने इंडिया को ब्रिक्स के मीटिंग में रिप्रेजेंट किया था. जो टैक्सेस वाला मीटिंग हुआ था, तो उनका नाम बताइए. यस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कहीं से आया नहीं है अभी तक. यस, विद्यनाथन, एब्सोल्यूटली राइट. वी विद्यनाथन, एब्सोल्यूटली राइट. ओके, किसने आंसर किया ये? विजय पाटिल. वेरी गुड, वेरी गुड. वी विद्यनाथन इज द एमडी सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. नाउ रेवेन्यू सेक्रेटरी की यहां पे बात की जा रही है. रेवेन्यू सेक्रेटरी हमारे हैं अजय पांडे जी, अजय भूषण पांडे. अजय भूषण पांडे इज राइट नाउ द रेवेन्यू सेक्रेटरी. याद रखना, रिसेंटली रशिया ने ब्रिक्स की टैक्सेशन की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. वहां पे निर्मला जी नहीं जा पाई, तो वहां पे इंडिया के तरफ से अजय भूषण पांडे ने रिप्रेजेंट किया था. रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम यह होता है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस या जो रेवेन्यू आ रहा है उसके तरफ ध्यान रखना, वो किस किस तरीके से आता है. तो यह पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख. ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख की बात करते हैं. के चलो बताइए कौन है. हम ऑलरेडी जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मुर्मू. ऑलरेडी हम उनके ऊपर बात, डिस्कशन हमारा हो चुका है. अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख की. यस, शिक्षा आईक्यू. ओके राइट, एब्सोल्युटली राइट. चलो, इसका भी आंसर सही आ रहा है. चलो दोस्तों बताइए. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आर के माथुर, आर के माथुर इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख. बहुत बढ़िया. आगे जाते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी प्रमोटेड एज अ डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड आज ज्यादा ही न्यूज में है. ओके, फाइनली साइक्लोन आ चुका है. वैसे एनडीआरएफ ज्यादा न्यूज में होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज्यादा न्यूज में होती है. ओके, उसके अलावा आज इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते तो नई डीआईजी, और वो भी फर्स्ट वुमन है. अगर वुमन डीआईजी बनती है या वुमन कहीं पे हेड बनती है तो चर्चा में आना जायज है. तो जल्दी से बताइए कि वो कौन है. मुर्मू तो जम्मू एंड कश्मीर के है. दीपक जी, थोड़ी गलती वहां पे हो गई आपकी, चलो कोई बात नहीं. यस, नुपुर कुलक्षेत्र, कुलश्रेष्ठ. ओके, नुपुर कुलश्रेष्ठा के इज राइट नाउ द डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों. हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पे कोई वुमन कुछ अचीव करती है सबसे पहले उसके तरफ ध्यान देना. सबसे पहले वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है, वी शुड फील वेरी प्राउड अबाउट दैट. एंड दूसरा, हमारी एग्जाम्स को ये चीजें ज्यादा पसंद है. वुमन एम्पावरमेंट वाला जो भी एस्पेक्ट होगा हमारे एग्जाम में ज्यादा पसंद आता है, जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं,
हु विल टेक ओवर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एंड डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। के ये दो बहुत बड़ी पोस्ट है, इनके नए इंचार्ज कौन है? हु इज द न्यू इंचार्ज ऑफ दीज टू पोस्ट? यस, जल्दी से बताइएगा। एक और चीज, काफी लोग यहां पे जुड़े हुए हैं दोस्तों, रोज सुबह 9:30 बजे मैं फाइनेंशियल समाचार का अलग से लेक्चर लेता हूं, जहां पे केवल और केवल फाइनेंशियल न्यूज डिस्कस की जाती है, स्पेशली फॉर बैंकिंग, आरबीआई या यूपीएससी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां पे इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो आप उन लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हो, रोज सुबह 9:30 बजे वो लेक्चर होता है, उसको भी मिस मत कीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर ही होता है। ओके, यस, लेफ्टिनेंट जनरल के जी एस ढिल्लन, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो के इज राइट नाउ द हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस। राजपूताना राइफल से वो बिलोंग करते हैं, वन ऑफ द वेरी रिमार्केबल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं, होप सो। ओके, होप सो। केवल 11 क्वेश्चन बचे हैं कविता जी, आप लोगों का जज्बा और हमारा लैपटॉप साथ दे गया। आगे देखते हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के हेड का नाम बता दीजिए। मैं ऑलरेडी नाम बता चुका हूं आप लोगों को, ऑलरेडी इनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, पहले जब यस बैंक की न्यूज आई थी तभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार देखते कितने लोगों को याद है। फाइनेंशियल लेक्चर का टाइमिंग है 9:30 सुबह 9:30 बजे होता है, सुबह 9:30 को हमारा लेक्चर होता है। के थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑन द मुस्टैचेस। यस, आंसर इज सुनील मेहता। यस, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने हुए फिलहाल यस बैंक के, जो पहले पीएनबी के हेड हुआ करते थे और अभी आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके फिलहाल वो नए सीईओ करके अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस? ग्रीस की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम बताइए। यस यस दोस्तों, यस एब्सोल्युटली राइट, कैथरीना सैकेलेरोपोलो। के कैथरीना सैकेलेरोपोलो इज राइट नाउ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, एब्सोल्युटली राइट। चार, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई नहीं कृति जी, कोई बात नहीं, पर आप बने हो, आप आंसर्स दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो रिकॉर्डेड देखते हैं या जो लाइव छोड़ के बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है, कुछ इश्यू हो सकते हैं, पर ये बहुत गलत आदत होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप नॉलेज लेने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, कंसेप्ट्स के। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी करते कि सर कुछ ट्रिक बताइए, सर कुछ 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 ऐसा कुछ चीज बता दीजिए कि जिससे बहुत जल्दी से याद रहे। लुक, जनरल अवेयरनेस में मैं मेरा 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, जनरल अवेयरनेस ये ट्रिक्स के भरोसे नहीं चलता। जनरल अवेयरनेस की ट्रिक्स आपको एक जगह पे काम पे आएगी, दूसरे जगह पे आपको किल कर देगी। जितने ज्यादा बार पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, जितना बार बार अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ओके, यस विग्नेश, आप कुछ बोल रहे थे। Yes, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, विच इज इन यूके। ओके, बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी के नए चांसलर का नाम बता दीजिए। यस, एब्सोल्युटली राइट, हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन के वन ऑफ द वेरी फेमस पॉलिटिशियन फ्रॉम यूएसए के, बिल क्लिंटन की वाइफ, ऑब्वियसली एक्स प्रेसिडेंट की वाइफ थी, वन ऑफ द वेरी फेमस पॉलिटिशियन, वो प्रेसिडेंट बन सकती थी, अनफॉर्चुनेटली जो हुआ आप सबको पता है, बट नाउ शी इज अ चांसलर ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट विच इज इन यूके, एंड दैट इज द आंसर, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज स्वॉन इन एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पे फिलहाल कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन वाले सिस्टम को हैंडल करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के तरह बनाई गई थी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इन इंडिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को हैंडल करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, इतने बड़े पोस्ट पे किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? यस, बहुत बढ़िया, बीमल जुल्का, बीमल जुल्का, एब्सोल्युटली राइट, क्या बात है।
विग्नेश यस देल भी क्लास ऑफ आरबीआई ग्रेड भी अभी कुछ नहीं बताता मैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो क्लास होगा, नहीं आई तो आपको उस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विग्नेश जी, ओके यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर आती है तो हम आरबीआई ग्रेड बी का क्लास लेंगे, अदरवाइज आपको पता है क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम बता दीजिए। के विराट कोहली तो है ही, विराट कोहली तो ब्रांड एम्बेसडर है ही प्यूमा के। विराट कोहली के पहले युवराज सिंह हुआ करते थे ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा के, अभी विराट कोहली है के। बट इनके अलावा और कौन है जो ब्रांड एम्बेसडर के अपॉइंट किए गए हैं फॉर प्यूमा? यस एनीवन, ये थोड़ा सा हटा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग सही करते हैं। क्या बात है यार, मूवी की बात आ गई तो आपको तो तोड़ नहीं है। करीना कपूर खान, यस, सारा अली खान इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा के, वो पहले से थी, नाउ करीना कपूर खान इज ऑल्सो द नाउ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, एंड विराट कोहली तो है ही। ओके आगे देखते हैं। ओके, सुनील छेत्री इज ऑल्सो देयर, यस सुनील छेत्री इज ऑल्सो देयर, एब्सोल्युटली राइट। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल सिलेक्शन पैनल बाय द बीसीसीआई क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी। इंडिया के नेशनल सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं, कोई बताएगा? यस, तैमूर्स मदर, दैट्स व्हाई शी बिकम द हेड। ओके चलो कोई बात नहीं। यस, सुनील जोशी इंडिया के लिए स्पिनर थे, ओके, वन ऑफ द वेरी गुड स्पिनर ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे, जिस टाइम पे इंडियन टीम में पोजीशन बनाना बड़ा दिक्कत वाला सीन था। बट सुनील जोशी का एक्सपीरियंस अभी शायद एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल सिलेक्शन पैनल बहुत मैटर करेगा। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी में के मेंबर्स के नाम बताइए। जो क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी है, इस कमिटी के मेंबर्स के नाम बताइए, क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी के मेंबर्स के नाम बताइए। आपने तो नेशनल सिलेक्शन पैनल के चेयरमैन का नाम बता दिया, जिनका नाम है सुनील जोशी, जो इंडिया के लिए स्पिनर थे के। अब मुझे बताइए क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी के मेंबर्स के नाम बता दीजिए। यस के, यस सौरव गांगुली प्रेसिडेंट, ये तो सबको पता है, यहां बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी के मेंबर्स के नाम बता दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस यस दोस्तों, क्योंकि तीन नए मेंबर्स अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, उन तीनों नए मेंबर्स के नाम बता दीजिए। नो नो, अनिल कुंबले इज नॉट द मेंबर, द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी के मेंबर्स के नाम मैं आपको बोल देता हूं, आरपी सिंह, आरपी सिंह जो इंडिया के मीडियम पेसर थे वो है। ओके यस एब्सोल्युटली, पहला। दूसरा, सेकंड है हमारे मदन लाल साहब, जो बहुत पुराने प्लेयर है, काफी अच्छे बॉलर भी थे मदन लाल जी, ओके वो है। और उसके अलावा सुलक्षणा नायर, सुलक्षणा नायर जो इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द वेरी फेमस और बहुत बहुत बढ़िया नेम था, सुलक्षणा नायर, आरपी सिंह, मदन लाल एंड सुलक्षणा नायर, दीज आर दी मेंबर्स ऑफ क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी। ओके बहुत सॉरी, नाइक नॉट नायर, सुलक्षणा नाइक, सुलक्षणा नाइक याद रखिएगा। ओके, Who among the following is the youngest prime minister of any country? किसी भी कंट्री की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? Okay. इंडिया के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो एट द एज ऑफ 40 राजीव गांधी जी बने थे, वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के लिए। ओके सो राइट नाउ दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका नाम बता दीजिए। यस, 34 ईयर ओल्ड सना मारिन, सना मारिन फिनलैंड से बिलोंग करती है, फिनलैंड की है, केवल 34 ईयर ओल्ड की है, एंड नाउ शी बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिनलैंड याद रखना, फिनिश है। के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बेंजामिन नेतन्याहू, वन ऑफ द वेरी फेमस नेम ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड ही इज द वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, बिकम द अनदर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के फिर से एक बार वो हेड बन चुके हैं के। सो मोदी साहब के वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड है, हाथ में हाथ डाले घूमते थे वो, ओके जब वो गए थे। चलो बताइए, यस दोस्तों, यस आंसर इज इजराइल, इजराइल वन ऑफ द वेरी फेमस नेम एंड वन ऑफ द वेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, विच बैंक हैज एलिवेटेड द बैंक्स हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग सुमंत
Kathpalia as the new managing director and the chief executive from the March 2020. Recently, Sumant Kathpalia ko naya MD aur CEO karke kisne appoint kiya, kaun se bank ne appoint kiya hai? Yes, जल्दी से बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 48. बस दो क्वेश्चन बचे हुए हैं. हमारा पूरा लेक्चर बड़े मुश्किल से आज कंप्लीट हुआ है. ओके, मुझे लगा था बीच में रुक जाएगा, बट चलो आप लोगों का साथ अच्छा रहा और सब बहुत सही तरीके से गया. पूरा 1 आवर हम कवर कर रहे हैं. अमित जी, आपके स्टेटमेंट के ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज वो थोड़ा पॉलिटिकल बन जाता है. सो वी विल नॉट गो इनटू दैट पार्ट. ओके, इंडसइंड बैंक, एब्सोल्युटली राइट, इंडसइंड बैंक के वो हेड है. Okay, आपकी भावनाएं मुझे तक पहुंच चुकी थी, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. Who has been appointed as the advisor to Prime Minister Narendra Modi? नरेंद्र मोदी साहब के दो नए एडवाइजर्स अपॉइंट किए गए हैं. उसमें से एक एडवाइजर का नाम आपको यहां पे बताना है. Okay, दूसरे एडवाइजर है हमारे भूषण खुबे. भूषण खुबे ये एक एडवाइजर है और दूसरे एडवाइजर का नाम आपको बताना है. सौविक दास, इफ यू आर गोइंग फॉर द आरआरबी एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द एसएससी सीजीएल, देन आई विल एडवाइस यू गो विथ एज मेनी एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन. बट कैसा होता है, किसी भी एग्जाम में अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व तो करते हो, पर थोड़ा बहुत बेस तो होना चाहिए. तो थोड़ा बहुत जो बेसिक पार्ट होता है ना, जैसे बेसिक पॉलिटी पढ़ लिया या बेसिक आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा बेसिक एक बार पढ़ लीजिएगा और बाद में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है. यस, अमरजीत सिन्हा, अमरजीत सिन्हा एंड भूषण खुबे, अमरजीत सिन्हा एंड भूषण खुबे ये दो लोग हैं जिनको एज अ पीएम एडवाइजर करके अपॉइंट किया गया है. दोनों भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर रह चुके. एक वेस्ट बंगाल, भूषण खुबे वेस्ट बंगाल कैडर से थे, अमरजीत सिन्हा बिहार कैडर से बिलोंग करते थे और जो अभी पीएम के एडवाइजर करके अपॉइंट किए गए हैं. लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है. बफरिंग नहीं हो रही है नीलेश जी, बफरिंग नहीं हो रही है यार, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पर बफरिंग नहीं हो रही है. हॉटस्पॉट ने साथ दे दिया, एयरटेल बहुत अच्छा नेटवर्क है, साथ दे दिया बिल्कुल भी नहीं. जब वाईफाई लगा था तब बफरिंग होती है, पर एयरटेल के हॉटस्पॉट ने बहुत अच्छा साथ दे दिया. चलो बताइए पीएफआरडीए के नए चेयरमैन का नाम. यस, एब्सोल्युटली राइट, सुप्रतिम बंदोपाध्याय. सुप्रतिम बंदोपाध्याय, ओके, ये पीएफआरडीए के नए चेयरमैन करके अपॉइंट हुए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड इट इज डूइंग एंड द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द पेंशन स्कीम्स एंड द पेंशन प्रोफाइल ऑल ओवर द इंडिया, एंड दैट इज द सिनारियो. ओके दोस्तों, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडे. या आज के 50 क्वेश्चंस थे, थैंक यू वेरी मच. ओके, हम कल सुबह वापस एक बार मिलेंगे हमारे फाइनेंशियल न्यूज के साथ, जो 9:30 बजे होता है यूट्यूब के ऊपर फाइनेंशियल न्यूज, और कल हम स्पोर्ट्स के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, दोनों सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सुबह 9:30 बजे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल न्यूज, एंड कल हम डिस्कस करेंगे 3 बजे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस. ओके चलो, 46 मार्क्स आए हुए हैं नीलेश, 44 अमित, विकी 46, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड दोस्तों. ओके, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. रितेश 36, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके चलो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. अभी लैपटॉप बंद होने से पहले मैं बंद हो जाता हूं, तो आप लोग सुरक्षित रहिए, एस्पेशली दोज हु आर इन मुंबई, दोज हु आर इन पुणे, दोज हु आर इन कोंकण, बी सेफ. गोवा वाले भी सेफ रहिएगा, ये साइक्लोन बहुत डेंजरस है. ओके, ऑलरेडी वी आर फेसिंग एवरीथिंग. ओके, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना अभी भी है. बी सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर. यस, आरबीआई की क्लास हुई तो विघ्नेश जरूर वहां मिलेंगे, ठीक है, चलो बाय.